गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रूसियन रिवोल्यूशन। इसका पार्ट सेकेंड पार्ट। वी लर्न फ्रॉम द प्रीवियस क्लास द एज ऑफ सोशल चेंज। एज ऑफ सोशल चेंज, सोसाइटी स्ट्रक्चर जो है किस तरह से यूरोपियन सोसाइटी में सोशलिज्म का इन्फ्लुएंस हुआ, उसका किस तरह से डेवलपमेंट हुआ यूरोपियन सोसाइटीज में। सो व्हाट इज सोशलिज्म, पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। व्हाट इज सोशलिज्म, सोशलिज्म क्या है, जिसको समाजवाद भी बोला जाता है हिंदी में। सोसाइटीज में जो मेनी थिंग थाट्स है, मेनी टाइप्स ऑफ थाट्स, सोशल कल्चर, सोशल कॉम्पोजिशंस, उसका जो डेवलपमेंट है उसको बोला जाता है सोशलिज्म। मैनी थाट्स, वेरी मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ थाट्स का कॉम्पोजिशन जो है उसको सोशलिज्म बोला जाता है। जहाँ पर सोशल ग्रुप है, सोशल लिटरेचर है, कल्चर है, परसेप्शन, मेनी थिंग परसेप्शन का कॉम्पोजिशन को सोशलिज्म बोला जाता है। यहाँ पर द एज ऑफ सोशल चेंज में मैं तुम लोग को बताया था पहले, यहाँ से किस तरह से सोसाइटी जो है यूरोप का, वहाँ पर सोसाइटी में चेंज आया था, फिर सोशलिज्म का डेवलपमेंट होने स्टार्ट हुआ था। थ्री इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है यहाँ पर, लिबरल, रेडिकल एंड कॉन्जर्वेटिव। लिबरल, रेडिकल एंड कॉन्जर्वेटिव, सो व्हाट इज लिबरल, व्हाट इज रेडिकल एंड व्हाट इज कॉन्जर्वेटिव, ये तीन जो मेन पार्ट्स है यहाँ पर बताया था मैं। वन ऑफ द ग्रुप व्हिच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वेयर द लिबरल्स, एक ग्रुप है सोसाइटी का जिसका बेसिस में सोसाइटी का चेंज होता है, सोशल स्ट्रक्चर का चेंजेबिलिटी होता है, उसको बोला जाता है लिबरल, उसको लिबरल चेंजेस भी बोला जाता है। क्लियर, लिबरल मीन्स जिसको लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का रिस्पेक्टेशन को लिबरल बोला जाता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है एक स्टैचू का मतलब, जो एक पर्टिकुलरली मूर्ति है, स्टैचू है जिसका परसेप्शन में जिसको लिबरल माना क्यों जाता है। व्हाट इज लिबरल, लिबरल मीन्स दैट आई एम लिबरल मीन्स फ्रीडम, फ्रीडम जो है उसको लिबरल बोला जाता है। टोटल वर्ल्ड का जो यूरोपियन कंट्रीज है, कॉन्टिनेंट है, जितना सारा कंट्रीज वहाँ पर लोकेटेड है, ऑल कंट्रीज़ का जो मेन परसेप्शन है उसको लिबरल बोला जाता है। लिबरली वहाँ पर जो चेंजेबिलिटी देखा जाता है, अलग अलग नेशन का पॉपुलेशन आ रहा है एक टेरन लाइन का बेसिस में और आके स्टैचू ऑफ लिबर्टी को रेस्पेक्ट दे रहा है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को रेस्पेक्ट दे रहा है, तो ये मेन परसेप्शन में है लिबरल कॉन्सेप्ट का, इसी को बोला जाता है लिबरल। और देन उसके बाद रेडियल है और कॉन्जर्वेटिव, कॉन्जर्वेटिव मीन्स जिसको कॉन्जर्व रखा जा सकता है, मतलब जितना सारा नेशन में जो मेन स्ट्रक्चरेबिलिटी है, मेन स्ट्रक्चर में जो चेंजेस है, मेन कल्चर में चेंज आता है, हर जगह में जो चेंजेबिलिटी है उसको कॉन्जर्वेटिव बोला जाता है। उसके बाद देखो आज का मैं जगह में जो बताऊँगा तुम लोग को वो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, कहाँ किस तरह से यूरोपियन सोसाइटीज़ में इंडस्ट्रियल सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था और सोशल सोसाइटी में किस तरह से चेंजेबिलिटी आया, चेंजेस देखा गया। दिस पॉलिटिकल ट्रेंड्स वेर साइन ऑफ ए न्यू टाइम, यहाँ पर पॉलिटिकल जो चेंजेबिलिटी आया है एक नया टाइम का शुरुआत लेके, एक न्यू टाइम है जिसका स्टार्टिंग हुआ है, जहाँ से पॉलिटिकल चेंजेस जो है वो उसका स्टार्टिंग हुआ है, उसका शुरुआत हुआ है। इट वॉज़ ए टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, ये जो टाइम है यहाँ पर सोशल चेंजेस देखा जाता है और उसके साथ साथ इकोनॉमिकली भी चेंजेबिलिटी देखा जाता है। इट वॉज़ ए टाइम व्हेन न्यू सिटीज केम अप एंड न्यू इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स डेवलप, एक ऐसा टाइम है जिस टाइम न्यू सिटीज जो है वो उसका स्टार्टिंग हो रहा है, हुआ है और न्यू जो इंडस्ट्रियलाइज्ड है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का जगह है, इंडस्ट्रियल चेंजेबिलिटी हो रहा है, इंडस्ट्री जो है उसको धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, उसका एडोप्टेशन हो रहा है। रेलवे एक्सपेंडेड, रेलवे जो जहाँ पर लोकेटेड था उसका एरिया और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्यों बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, तो रेलवे का भी इंपॉर्टेंस ही है क्योंकि इंडस्ट्रियल गुड्स को एक जगह से और एक जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेल का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्लियर, एंड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ओकर्ड, यहाँ से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का स्टार्ट हो रहा है। पहले इंग्लैंड में हुआ था, मैं तुम लोग को बताया था 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था, प्रीवियस क्लास में इसका जगह मैं तुम लोग को बताया था। देन धीरे धीरे यूरोपियन सोसाइटीज में नेशनलिज्म का बाद
इंग्लैंड से लेके जितना सारा कंट्रीज है हर जगह में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखा जा रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन वोमेन एंड चिल्ड्रेन टू फैक्ट्रीज, जहाँ पर मैन वोमेन और चिल्ड्रेन जो है वो सबको एक एक साथ मतलब सबका कॉम्पोजिशन देखा जाता था फैक्ट्री में। फैक्ट्री एरिया जो है वहाँ पर मैन का वोमेन का चिल्ड्रेन का सबका एक एक साथ फैक्ट्रीज एरिया में देखा जाता था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का परसेप्शन में, राइट। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉड मैन वोमेन एंड चिल्ड्रेन टू फैक्ट्रीज, वर्क हाउसेज वर्क हावर्स वेर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वेर पोर। वर्क टाइमिंग जो था वो उसका सबका पास लॉन्ग टाइमिंग था, वेजेस जो था वो बहुत ही पोर था, मतलब जिसका पास पैसा नहीं था उसका कंडीशन बहुत ही लो था। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का पहले क्या होता, अनएम्प्लॉयमेंट, सबको काम नहीं मिल रहा था, ठीक। एम्प्लॉयमेंट मीन्स काम मिलना, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स काम नहीं मिलना, ये सब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन में ये देखा जा रहा था। पार्टिकुलरली ड्यूरिंग दिस टाइम लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल जितना सारा गुड्स है मैटर्स है उसका डिमांड जो है बहुत ही कम हो गया था। पार्टिकुलरली लो डिमांड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल गुड्स, इंडस्ट्रियल जितना सारा गुड्स है उसका डिमांड जो है वो डिक्रीज हो गया था। उसका साथ साथ इंडस्ट्रियल गुड्स का डेवलपमेंट होना जब से स्टार्ट हुआ है, इंडस्ट्रियल गुड्स का डेवलपमेंट होने का साथ साथ इंडस्ट्रीज जो है उसका भी चेंजेबिलिटी देखा जा रहा है। इंडस्ट्रियल गुड्स देखो, गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट भी हो रहा है। हाउसिंग एंड द सैनिटेशन फेयर प्रॉब्लम सिंस टाउन फेयर ग्रोइंग रैपिडली, जहाँ पर जितना सारा हाउसिंग्स है सैनिटेशंस है उसका क्या चेंज देखा जा रहा है, हाउसिंग एंड सैनिटेशन फेयर प्रॉब्लम, वहाँ पर एक प्रॉब्लम देखा गया था ग्रोइंग रैपिडली, जो प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइमिंग है। लिबरल्स एंड द रेडिकल्स सर्च फॉर द सॉल्यूशन टू दिस इशू। लिबरल जो है, लिबरल मीन्स स्टैचू ऑफ लिबर्टी को रिस्पेक्ट करना, मीन्स एक रिलीजियस परसेप्शन में जो बिलीव करता है उसको लिबरल माना जाता है, जो एक रिलीजियस परसेप्शन में बिलीव करता है, ठीक। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशन टू दिस इशू, यहाँ पर लिबरल एंड रेडिकल जो सर्च मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन का लिए वो एक इशू देखा गया था वहाँ पर। देन दस उसके बाद देखो एक डायग्राम दिखाया गया है तुम लोग को यहाँ पर, जो डायग्राम में उसका जगह भी बता रहा हूँ, एक डायग्राम है जहाँ पर द लंडन पोर्ट इन द मिड 19th century, द लंडन पोर्ट इन द मिड 19th century, जो लंडन का मीन 19th century का मिडिल ईस्ट टाइमिंग का जो डायग्राम है ये फोटो देखा गया है, लंडन में क्या चल रहा है मिड 19th century का एक फिगर को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। सीन बाय द कॉन्टेम्पोरारी, हर जगह में ऐसा देखा गया था, द लंडन पोर इन द मिड 19th century, लंडन में जो पोर पीपल था उसका कंडीशन कैसा था मिड 19th century का टाइमिंग पीरियड में, एज सीन बाय ए कॉन्टेम्पोरारी। फ्रॉम हेनरी मेहो, लंडन लेबर एंड द लंडन पोर 1861 में ये डायग्राम ड्राइंग किया गया है। देन द ऑलमोस्ट ऑल इंडिविजुअल्स विद द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स, जहाँ पर प्रॉपर्टीज जो है वहाँ पर इंडिविजुअली उसका चेंजेबिलिटी हुआ था, प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी का एक मेन पार्सेप्शन का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर किया गया है, जो प्रॉपर्टी था सबका लिए इक्वल नहीं था, सब प्रॉपर्टी में एक चेंजेस देखा गया था। लिबरल्स एंड द रेडिकल्स देमसेल्व्स वर ऑफन टू प्रॉपर्टी ओन्ड एंड द एम्प्लॉयर्स, जो लिबरल्स था लिबरल्स पॉपुलेशन था रेडिकल्स था सबका देखो ओन प्रॉपर्टी था, सबका लिए पर्सनल ओन प्रॉपर्टी था और ओन एम्प्लॉयमेंट्स मतलब ओन एम्प्लॉयर था सब लोग, सब लोग का पार्टिकुलरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ काम में सब लोग इंक्लूड था इस टाइमिंग में, राइट। Having made their wealth through trade the industrial venture, जो wealth है उसका ऊपर एक इंडस्ट्री का इफेक्ट पड़ा था, they felt that such as effort should be encouraged, that is benefit would be achieved if the workforce in the economy was healthy and the citizens were educated, जो इकोनॉमी था वो उसका ऊपर सिटीजन का एक परसेप्शन देखा गया था अपोज द प्रिविलेजेस
द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी व्हाट इज एरिस्टोक्रेसी, जो परसेप्शन पॉपुलेशन का एक मेन जगह जर्मनी में देखा गया था, जिसका मेन परसेप्शन क्या था, जो अपने रिलीजियस में बहुत बहुत ज़्यादा बिलीव था, जिसका जो पर्सन विलेज एरिया में जिसका बर्थ मतलब जो उसका बॉर्न हुआ है और टाउनशिप एरिया में जाके जो एस्टेब्लिशमेंट किया है घर का, उसको बोला जाता है एरिस्टोक्रेसी, जो खुद को दूसरा क्लासेस से दूसरा रेसेस से डिफरेंस समझता है। तो एक प्रेस्टिजियस परसेप्शन देखा गया था एरिस्टोक्रेट पीपल में। देन द उसके बाद देखो, अपोज द प्रिविलेज एंड द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाय बर्थ दे फर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल इफोर्ट, जिसका इंडिविजुअली हर काम में एक इफोर्टनेस एक परसेप्शन देखा गया था, लेबर एंड द इंटरप्राइजेस इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वॉज एंश्योर, इफ द पोर कुड लेबर एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेटेड विद इन द रिस्ट्रिक्टनेस एंड दे बिलीव दैट सोसाइटी वुड डेवलप। किस तरह से जितना सारा पोल पीपल है, मैनी टाइप्स का पीपल है, कैटेगरीज का पीपल है, सब लोग का मेन परसेप्शन क्या था, किस तरह से सोसाइटी में चेंजेबिलिटी लाया जा सकता है, सोसाइटी जो है वो धीरे धीरे डेवलप हो सकता है, इसका मेन बेसिस में सबका एक इंपॉर्टेंस भी देखा गया। तो फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल फोर कुड लेबर एंड दोज विद द कैपिटल एंड ऑपरेटेड विद इज द रिस्ट्रिक्टेड द बिलीव दैट द सोसाइटी शुड डेवलप, इस तरह से सोसाइटी स्ट्रक्चर जो है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। मेनी वर्किंग मैन एंड वुमेन हु वांटेड द चेंजेस इन द वर्ल्ड रैपिडली अराउंड द लिबरल एंड द रेडियल ग्रुप्स एंड द पार्टीज इन द मेनी अर्ली 19th सेंचुरी। मेनी वर्किंग मैन, जितना सारा मैन था जो काम में बिजी था, मतलब जो वर्किंग मैन है जिसका एक परसेप्शनली वर्किंग एक्टिविटीज था, एंड वुमेन भी इस टाइमिंग में इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइमिंग में वर्क में इन्वॉल्व था, हु वांटेड चेंजेस, जो जिसका विशेष में चेंज हुआ था, जिसका कारण से बहुत सारा चेंजेस देखा गया था, राइट, जिसका विशेष में बहुत सारा चेंजेस देखा गया था, उसमें से क्या क्या है देखो, इन द वर्ल्ड रैपिडली अराउंड द लिबरल एंड द रेडिकल, जिसमें एक चेंजेबिलिटी क्या हुआ था, कोई कोई लिबरल था तो कोई कोई रेडिकल परसेप्शन का ऊपर बिलीव करता था। द अर्ली 19th सेंचुरी में ऐसा परसेप्शन देखा गया था यूरोपियन सोसाइटीज में। सम नेशनलिस्ट लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड रिवोल्यूशन टू पुट एंड द एंड ऑफ द किंग काइंड ऑफ द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश इन यूरोप इन 1858। बहुत सारा नेशनलिस्ट था, लिबरल था, रेडिकल्स मेंबर था, जो कि रिवोल्यूशन का बेसिस में किसका एस्टेब्लिशमेंट करने का कोशिश किया था, गवर्नमेंट का, कहाँ पर, यूरोप में 1815 में, ऐसा परसेप्शन देखा गया था। इन द फ्रांस इटली जर्मनी एंड रूसिया दे बिकेम द रिवोल्यूशनरीज एंड द वर्क टू द ओवर थ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्कीज। फ्रांस जर्मनी और रूसिया में देखा गया था जो मोनार्की है, मोनार्की का जो पावर है उसको लिमिटेड कर दिया गया था, जो तुम लोग लुई 16 का जगह देखे हो, उसका साथ साथ जो मेन सोसाइटी स्ट्रक्चर है, सोसाइटी स्ट्रक्चर में चेंजेबिलिटी लाया गया था, सब मोनार्की को हटा के वहाँ पर गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट करना चाहता था, जिसका रूल और रेगुलेशन पार्टिकुलरली फिक्स्ड है, सबका लिए इक्वल है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बेसिस में बनाया गया है। नेशनलिस्ट टॉल्ट ऑफ द रिवोल्यूशन शुड दे वुड क्रिएट ए नेशन वेयर द ऑल सिटीज वुड हैव इक्वल राइट, जहाँ पर हर सिटीज में जो नेशनलिस्ट उसका मेन परसेप्शन क्या था, जो जिसका बेसिस में कॉन्स्ट्रक्ट किया जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, जो ऑल सिटीज़ है वहाँ पर सबका लिए राइट जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट जिसको बोला जाता है, सबका लिए राइट ऑल रूल रेगुलेशन सेम रहेगा, एक रहेगा, इक्वलिटी एक रहेगा, इक्वलिटी का बेसिस में स्टैचू ऑफ लिबर्टी को रिस्पेक्ट किया जाएगा। आफ्टर द 1815 गुस्पी मेजिनी एंड इटालियन नेशनलिस्ट, लेकिन इटालियन नेशनलिस्ट का जगह बताया गया है 1815 में, गुइस्पी मेजिनी जो था इटालियन नेशनलिस्ट कॉन्फेयर्ड विद द अदर अचीव दिस इन इटली, जो इटली में बहुत सारा चेंजेस अचीवमेंट लाने का कोशिश किया था। नेशनलिस्ट एल्वेस द इंक्लूडिंग इंडिया रीड हिज राइटिंग, जिसमें इंडियन नेशनलिस्ट का राइटिंग को भी बताया गया है। देन द उसके बाद देखो, कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, यूरोप में किस तरह से सोशलिज्म जो है वहाँ पर चेंजेस देखा गया था, सोशलिज्म का आविर्भाव हुआ है कहाँ पर, यूरोप में, वहाँ पर देखो, पार हैव वन ऑफ द मोस्ट फार रीच्ड विजन्स ऑफ हाउ सोसाइटी शुड बी स्ट्रक्चर्ड वाज सोशलिज्म, किस तरह से बहुत सारा मैटर का साथ साथ
सोसाइटी का स्ट्रक्चर हुआ था, सोशलिज्म का बेसिक सोसाइटी का स्ट्रक्चर हुआ था, बहुत सारा वे था, कल्चरलिटी था, डिफरेंसेस था, बट सोसाइटी का किस तरह से स्ट्रक्चरबिलिटी किया गया था। बाय द मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप, यूरोपियन सोसाइटीज में मिड 19th सेंचुरी का टाइमिंग में सोशलिज्म वाज ए वेल नोन बॉडी ऑफ आइडिया दैट अट्रैक्टेड विड स्प्रिड अटेंशन। सोशलिज्म जो है उसमें अटेंशन जो है मतलब देखो बहुत सारा पॉपुलेशन को अट्रैक्ट कर रहा था, कौन सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट, और उसमें बहुत सारा पॉपुलेशन, ह्यूज पॉपुलेशन अट्रैक्टिव भी था, सबका मेंटेलिटी चेंज था, क्योंकि सोशलिज्म का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सोसाइटी ऐसा बनेगा जहाँ पर सबका रूल रेगुलेशन सेम रहेगा। यही चिंताधारा, यही जो थिंकिंग मैटर है सब सब में स्प्रेड हो रहा था। सोशलिज्म अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का अगेंस्ट था, विरुद्ध था सोशलिज्म, एंड सॉ इट द मतलब गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था ऑल परसेप्शन में, कौन सोशलिज्म, एंड सो इट वॉज द रूट ऑफ द ऑल सोशल इल ऑफ द टाइम। इस टाइम में सोशल जो इलनेस है उसका अगेंस्ट था सोशलिज्म। व्हाई इंडिविजुअल ओन्ड द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट दैट वेलफेयर टू दोज द हु मेड आर द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। किस तरह से इंडिविजुअली पॉपुलेशन जो है वो उसको एम्प्लॉयमेंट मिल गया था, उसका जो प्रॉपर्टीज़ है प्रॉपर्टीज़ का अमाउंट मतलब बढ़ गया था, सबका पर्सनली डेवलपमेंट हो गया था, किसका बेसिस में, इंडस्ट्रियलाइजेशन का थ्रू, सोशलिज्म के बेसिस में सोशल कॉन्शियस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके। सो फार सो इफ द सोसाइटी एज ए होल रेदर देन सिंगल इंडिविजुअल कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी, जहाँ पर सिंगलरी मतलब पार्टिकुलरली पर्सन टू पर्सन उसका प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर सकता है, जहाँ पर यूरोपियन सोसाइटीज़ में मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्ट सोशल इंटरेस्ट। बहुत सारा पॉपुलेशन है जो जिसको सोसाइटी से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला था, इंटरेस्ट मिला था। देखो सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड द कॉम्पेट फॉर इट। सोशलिस्ट जो था इस चेंज को सपोर्ट किया था और इसका साथ साथ कॉम्प्रोज भी हुआ था। ही कूड ए सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, किस तरह से एक सोसाइटी जो है वो प्रॉपर्टी का बेसिस में ऑपरेटेड हुआ था। वुड बी द बेसिक्स ऑफ द सोसाइटी, देखो सोशलिस्ट प्रॉपर्टी सोसाइटी हाउ कुड ए सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, किस तरह से किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं था बट सोसाइटी का कैसे बना था, सोसाइटी था बट किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं था। इंडस्ट्रियल किसका बेसिस, किसका परसेप्शन में प्रॉपर्टी को डोनेट किया गया था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए। वुड हैव बी द बेसिक्स ऑफ द सोसाइटी, किस तरह से सोसाइटी का मतलब चेंजेस आया था। सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर, सोशलिस्ट जो है उसका फ्यूचर के परसेप्शन में बहुत सारा परसेप्शन देखा गया था। सम बिलीव इन द आइडिया ऑफ द कोऑपरेटिव, रॉबर्ट ओन 17 ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जो था वो किसी में बिलीव करता था, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मीन्स जो पर्सन टू पर्सन मतलब सबको एक साथ हर काम करना चाहिए, इसलिए सबका लैंड फ्रॉम सोसाइटी का लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का लिए, रिवोल्यूशन का लिए डोनेट किया गया था। इसका बाद जो जगह है मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा तुम लोग को। थैंक यू।